अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बड़ी मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। शुक्रिया। मंगेतर के लिए दुआ करनी जायज है, जब तक आपका निकाह ना हो सिर्फ मंगनी शंगनी से कुछ नहीं होता, ना दुआएं करो ना वजीफे पढ़ो, जब निकाह हो जाए फिर सब कुछ पढ़ना। मेरे शौहर मुल्क से बाहर काम करते हैं, किसी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, बड़ा समझाया वो नहीं समझते कि दिसंबर तक आ जाऊंगा सिर्फ उस लड़की का पीछा छुड़ाने के लिए। मेरे अपने शौहर को बोला बिल्कुल ठीक है, बुलाएं, जान छुड़ाएं उसकी। और देखें ना, इसीलिए हुक्म है कि काफिर मुल्कों में बगैर दीन की जरूरत के ना जाए, तिजारत हो या तालीम हो या तबलीग, जो बगैर जरूरत के जाते हैं ना वही तो जाके फिर इन चीज़ों का शिकार होते हैं, क्योंकि वहाँ तो हर चीज़ फ्री है ना। तो जब हर चीज़ मुफ्त मिलती हो तो मुफ्त की शराब तो मौलवी काजी भी नहीं छोड़ता। टीवी पे ड्रामे देखना बिल्कुल हराम है। कुव्वत बा के लिए नबी नुस्खा ये है कि उसको कहते हैं तलबीना, यहाँ बना हुआ भी मिलता है डब्बों में बंद। अच्छा, आपके पाकिस्तान में भी वो मेरे भी दोस्त हैं, भाई हैं, हकीम अबकरी साहब लाहौर वाले, उनने खुद भी वहाँ बनाया है तलबीना, बड़ा अच्छा है। वो ले लें और सुबह शाम दूध में डाल के जैसे खीर नहीं बनाते हैं खा, सबसे बड़ी मुकवी चीज़ है, हजूर को हजरत जिब्रील ने बताई थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।